वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो आज काफ़ी बारिश हो रही है, इनफैक्ट सुबह से ही हो रही है बारिश। और अभी टाइम हो रहा है 12:30, सॉरी, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी वजह से घर का प्लास्टर का काम रुका हुआ है। इनफैक्ट अंदर का रूम हो गया है, बाहर का भी एरिया हो गया, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकम्प्लीट है, तो आज पूरा हो जाता है अगर बारिश ना होती। इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बट ये पिलर्स रह गए एंड फ्रंट से भी थोड़ा सा बाकी है। एंड अंदर वाले रूम का भी सभी कुछ कंप्लीट है, बस इस साइड पर लाइट नहीं है, एक ये एरिया थोड़ा सा बाकी है। इस तरीके से सारी चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं पूरा। इफेक्ट आज बारिश ना होती तो काम लगा होता। और ये बम्बूज लगे हुए हैं, तो कल ऊपर साइड पर काम हो रहा था। बेसिकली इसको चाली बोलते हैं, लगा करके देन ऊपर प्लास्टर हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस चाली को भी खोल दिया जाएगा पूरी तरीके से एंड देन उसके बाद फिर नीचे का प्लास्टर होगा। हो रही है, सब यहाँ से निकला जाए घर की तरफ। यहाँ के रास्तों का तो बहुत ही बुरा हाल है, बारिश हुई तो ये ऐसा कुछ है, बैंक के यहाँ आदत खराब है, गलती हो आदमी को सर भी कर देगा। रेडियो वॉच कैरेट कहाँ है? अम्मी कैची है। हाँ, कैची। अम्मी कलर की कैची है। कैरेट कहाँ है? कैरेट ये है। कैरेट ये मोबाइल है। कैरेट कहाँ है? अम्मी गाजर बोली है। गाजर कहाँ है? गाजर। किसकी काटी है? कैरेट कहाँ है? मेरी है। अरे कैरेट कहाँ है? बारिश हो गई है, रेडियो करके निकला जाए यहाँ से, ठीक तो मार्केट जाना, चला जाए भाई, चला जाए। अभी गाड़ी में आ गए, इनफैक्ट अब यहाँ से निकला जाए। जाए बारिश यार, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। Be the light.